चलिए आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के उन सेलेब्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपना ड्रेस रिपीट किया अलग अलग जगहों पर। चलिए शुरुआत करते हैं आलिया भट्ट से। हाल ही में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में जब वो अपनी मेहंदी की ड्रेस में आई तो खूब चर्चे हुए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब उन्होंने अपना कोई ड्रेस रिपीट किया हो। वो जब नेशनल अवार्ड लेने पहुंची थी तब उनसे जुड़ी सारी चीजें चर्चे में थी, और खासकर चर्चे में थी उनकी साड़ी, क्योंकि नेशनल अवार्ड में उन्होंने अपनी शादी वाली साड़ी ही पहनी थी। चलिए अब बात करते हैं सारा अली खान की। सारा अली खान बड़ी स्टाइलिश लगी जब उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए अपनी नीली अनारकली को रिपीट किया। ये वही ड्रेस थी जो उन्होंने 2020 में भाई दूज के लिए पहनी थी। हमारी लिस्ट में अगला नाम है समांथा रुद्र प्रभु का। राणा दग्गुबती के रोका समारोह में समांथा ने उस समय सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था जब वो पीले रंग के खूबसूरत सूट में नजर आई थी। दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने इससे पहले 2018 में एक लॉन्च इवेंट में भी यही सूट पहना था। चलिए अब बात करते हैं सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन जब शैंपेन गोल्ड साड़ी पहनकर एक दिवाली पार्टी में गईं, तब सबकी नजर उन्हीं पर टिकी रही थी। लोगों को पहचानने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि ये वही साड़ी है जो उन्होंने लगभग 19 साल पहले 2005 में कॉफी विद करण के सीजन 1 में पहनी थी। जब भी बॉलीवुड में फैशन की बात होती है तो सोनम कपूर का नाम अपने आप ही आ जाता है। सोनम कपूर ने एक दिल छू लेने वाला फैशन स्टेटमेंट दिया जब उन्होंने अपनी माँ की 35 साल पुरानी चमकीले लाल रंग वाली घर चोला साड़ी को पहना। उन्होंने इस साड़ी को पहनने के बाद सस्टेनेबिलिटी की सीख तो दी ही, साथ ही उन्होंने अपने परिवार की विरासत का भी परिचय दिया। हमारी लिस्ट में अगला नाम दीपिका पादुकोण का है। दरअसल दीपिका को अपने पति रणवीर सिंह के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया। उन्होंने व्हाइट शर्ट और ब्राउन रंग का स्लीवलेस स्वेटर पहना हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी फिल्म फाइटर के प्रमोशन के लिए भी यही कपड़े पहने थे। हम एक ड्रेस को दोबारा पहनने की बात कर रहे हों और उसमें जाह्नवी कपूर का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? जाह्नवी कपूर अपनी माँ श्रीदेवी की सारी यादों को सहज कर रखती हैं और इसमें उनके कपड़े भी शामिल हैं। जाह्नवी कपूर ने एक दिल को छू लेने वाला फैशन स्टेटमेंट दिया जब उन्होंने मॉम फिल्म के लिए जो नेशनल अवार्ड श्रीदेवी को दिया जाने वाला था उसे लेने वो पहुंची, और कमाल की बात ये रही कि इस इवेंट में वो अपनी माँ की साड़ी में ही नजर आई। वैसे जाह्नवी तो जाह्नवी ठहरी, लेकिन खुशी कपूर भी अपनी माँ के कपड़ों को अक्सर पहनती रहती हैं। उनकी डेब्यू सीरीज आर्चीज के एक इवेंट पर उन्होंने अपनी माँ का ही गाउन पहना था। 2019 में गौरी खान जब एक फैमिली फंक्शन में पहुंची तो उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये वही साड़ी थी जो उन्होंने इससे पहले ईशा अंबानी की शादी में पहनी थी। जब माँ अपने कपड़ों को रिपीट करती है तो बेटी कैसे पीछे रह जाए भाई। जून 2024 में अनंत और राधिका की दूसरी प्री वेडिंग पार्टी के दौरान अंबानी परिवार द्वारा आयोजित क्रूज पार्टियों में से एक के लिए अपनी ब्लैक और ब्लू फ्लोरल प्रिंट ड्रेस को सुहाना ने रिपीट किया था। वैसे ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, इनके अलावा भी अब बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हो गए हैं जो सस्टेनेबिलिटी को मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।